अभी हमको नहा के किचन में आना पड़ा, पता है क्यों? क्योंकि हम किचन साफ ही नहीं किया और चले गए नहाने। वैसे लेट हो रहा था तो मेरी सासू माँ बोली आगे तुम नहा लो, उसके बाद तुम किचन वगैरह जो भी साफ करना है करते रहो। वैसे हम किचन वगैरह साफ करके ही नहाते हैं, आज वैसे नहीं किए और कुछ ज़्यादा लगता है, क्या कर सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर विद ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी वैसे ठीक हूँ। और अभी किचन मेरे पता है कि किचन वैसे बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया। क्यों? क्योंकि कल नाइट में छिलका बनाए थे और अभी मॉर्निंग में भी छिलका ही बनाए, अभी और बचा हुआ है। फिर सासू माँ बोल रही है छोड़ दो शाम को और बना लेना, मतलब अभी सूख जाएगा ना इसी के लिए। तो वैसे छोड़ दिए हैं आधा आधा आधा, अभी बनाए हैं नाश्ता के लिए। चलिए, मेरा किचन का हाल बहुत ही बुरा हो गया। देखिए अभी हम साफ करने के लिए आए हैं, कितना ही बुरा हाल हो गया मेरा गैस चूल्हा का। और पता है वैसे हम आज पटल का सब्जी बनाए हैं, तो मतलब हम अपने स्टाइल से बनाए, अपने तरीके से, जैसे हम अपना मायके में बनाते थे वैसा फ्राई वगैरह सब कुछ करके। तो बाबू बोले वाह आज कितना अच्छा सब्जी बनाई है, टेस्टी लग रहा है। हम सोचे हाँ कि उन्हें टेस्टी लगेगा क्योंकि हम अपना तरीका से जो बनाए हैं सब्जी, और जो जो हम डालते थे मसाला वो भी हम डाले हैं उधर से चुरा के ला के। अच्छा ठीक है, तो वैसे बताते नहीं हैं जो हम क्या मसाला डालते हैं, नहीं तो बोलेंगे नहीं टेस्टी नहीं लग रहा, बताना भी बेवकूफ़ी है। इसी के लिए बना देते हैं चुपचाप और फिर रिएक्शन देखते हैं कौन क्या बोलता है। तो अभी वैसे मेरे सासू माँ नहीं खाई है और बाबू खा के चले गए, और अभी हम भी नहीं खाए हैं, अभी हम साफ कर लेते हैं उसके बाद नाश्ता करेंगे। चलिए, वैसे पूजा वगैरह सब कुछ कर लिए, अभी आए थे गैस ही साफ करने, घर वगैरह पोछा करने। चलिए, वैसे हम घर वगैरह मतलब किचन साफ कर लिए हैं, उधर भी साफ कर लिए पूरा, अभी जा रहे हैं नाश्ता करने। वैसे आप लोगों को एक चीज नहीं दिखाया ना, मेरा बैग कंप्लीट हो गया था वो नहीं दिखाते हैं। वैसे हम कब का बैग रेडी कर चुके थे, ये देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं ये बोरी का नहीं है तो थोड़ा लूज बनेगा, ठीक है, ढीला ढीला टाइप का। ये रुकिए दिखाते हैं अच्छा सा। और वैसे मायके गए थे तो इसको लेके नहीं गए, ये देखिए अब बहुत ही बड़ा बना है। वैसे बोरी नहीं दिए हैं, अस्तर दिए हैं तो थोड़ा लूज टाइप का, इसमें कपड़ा डाल के दिखाते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा ही कपड़ा अटता। और ये जो मेरी मम्मी का है ब्लाउज वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ये रहा। और भैया आने वाले हैं, पता नहीं कब आएंगे और ले जाएंगे। देखिए वैसे मेरी मम्मी पहनती है ऐसा, तो सोच सकते हैं उसकी बेटी कैसी पहनेगी। समझ रहे हो ना। ऐसे ये मम्मी बोली नहीं थी, बट हम क्या करते हैं ना, यहाँ थोड़ा डालते हैं कम और थोड़ा बचा के यहाँ डाल देते हैं ताकि अच्छा लगे। अच्छा लग रहा है ना, ऐसे बहुत कोई नहीं डालता है, हम ज़्यादा रहता है ये लेस तो हम यहाँ डाल देते पीछे में, थोड़ा अच्छा लगता ये, मतलब यहाँ उतना नहीं देते हैं, यहाँ केवल बाजू में थोड़ा कम ही डालते हैं जितना ज़रूरत होता है, और नहीं तो हम पीछे डाल देते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया है, अब देखते हैं भैया कब तक आते हैं, और इसमें हम कपड़ा डाल के दिखाते हैं कितना ज़्यादा कपड़ा अटता है। बहुत ही बड़ा बना है, बहुत ही
अच्छा बना। और जो ये बेक था ये भी अच्छा है, बट ये बोरी, इसमें बोरी डाला है चावल का, इसलिए ये टाइट है खुद से। और हम एक साड़ी लाए थे जो कि मशीन में पत्ता लगाएंगे, ये मम्मी से मांग के लाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखिए इसको अभी जा रहे हैं कटिंग करके, मशीन में पूरा ढक देंगे पर्दा लगा के, अच्छा लगेगा। उसे सोच रहे अच्छा है, कलर अच्छा है, अच्छा दिखेगा। इसको अभी सिलने जा रहे हैं और आप लोगों को बैग दिखाते हैं उसमें कपड़ा डाल के। वैसे तो इतना कपड़ा सब नहीं आएगा, ये हम अब पर्दा लगाने के लिए आते हैं। ये देखिए अस्तर डाला हुआ है इसलिए लूज है, और इसमें बोरी डाल देते हैं। ये देखिए है ना, ये ज्यादा अच्छा लगता है। अभी हम कपड़ा डालते हैं। क्या हो गया? So, अभी कपड़ा पूरा हम डाल चुके हैं और ये देखिए मेरा बैग वैसे अच्छा दिख रहा है, और इतना ज़्यादा कपड़ा आया कि पूछिए मत। वैसे मेरा स्वेटर, बाबू का जीन्स और बहुत ही कपड़ा डाले, इतना ज़्यादा आया, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसका अंदर ये। और एक बगल में थैला बना दिए हैं, इसमें जीप नहीं लगा, जीप भी लगा सकते थे बट नहीं लगाए। ये एक थैला है, कुछ भी डाल सकते हैं, चार्जर वगैरह। और इस बार अच्छा बना दिए हैं, अब की माइके जाएंगे तो इसी को लेके जाएंगे, है ना। थोड़ा पर्दा टाइप का दिख रहा, क्या कर सकते हैं, ऐसा कपड़ा था नहीं तो ठीक है। फिर भी थैला का थैला, और वैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा ये बना हुआ है घर में, किसी को पता ही नहीं चलेगा ये वैसे हम बनाए हैं। कोई बोलेगा हाँ ऐसा थैला मिला होगा। है ना, तो आपकी मायके जाएंगे इसी को लेके। और ये तो है ही मेरा प्यारा मनपसंद, और इसका कपड़ा भी बहुत ही सुंदर था, ये कपड़ा भी बहुत सुंदर था। और ये पता ही नहीं चलेगा ये हम बनाए, वैसे वो तो पता चल रहा है वो पर्दा का है, और इसका कपड़ा ही बहुत सुंदर था। ये बिना कपड़ा डाला हुआ फुला फुला टाइप का लगता है ना, सुंदर सा। और अभी हम जा रहे सिलाई करेंगे, वहाँ कवर लगाएंगे, और चलिए लगाते कवर। वैसे हम बल्ब फिर से चुरा के लाए हैं, चलिए लगाते वीडियो जी पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।